बताऊंगा आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखते हैं हम लोग पहला मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक ध्यान देंगे। सभी कंपटीशनों में मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग कहीं भी प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बैंक कोई भी देखिए तो मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है ये। इसलिए इसको थोड़ा बहुत डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि आखिर में कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 और शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण, ये ध्यान देंगे। ये लिया गया है कौन से देश से? जी हां, ब्रिटेन से। ये कहां से लिया गया है? यूएसए से। यह विधि के समक्ष समता कहता है कि विधि से बड़ा कोई नहीं, विधि से बड़ा कोई नहीं, यानी विधि के समक्ष सभी बराबर हैं और विधियों के समान संरक्षण करता है विधि द्वारा सबका संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता यानी कानून के सामने सभी लोग समान हैं, बराबर हैं, कोई राजा हो या रंक हो, कोई बड़ा मालिक हो, उद्योगपति हो या एक रिक्शा चालक हो, सभी लोग बराबर हैं, एक समान है। कोई भी कानून को तोड़ेगा तो दंड दिया जाएगा। कानून ये नहीं देखेगा कि कौन अमीर है, कौन गरीब है या कौन किस जाति मजहब का है, सभी के लिए एक बराबर कानून। तो इसमें ध्यान देंगे विधि समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण। इस अनुच्छेद 14 का अपवाद देखेंगे, अपवाद, अपवाद अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति तथा राज्यपाल है। कहने का अर्थ है कि अगर कोई अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, कोई मंत्री हो, कोई भी कानून को तोड़ता है तो उसको सजा दी जाएगी, यानी उसके द्वारा कोई कार्य हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, गबन हुआ है तो सजा दी जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्य के लिए उन्हें दोषी नहीं बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मंत्रिमंडल के सलाह पर कार्य करते हैं, मंत्रिमंडल की सलाह पर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करेंगे, राज्यों में राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सलाह पर कार्य करेंगे। अगर ये मंत्रिमंडल लिख कर दे दे कि हम लोग को 5 करोड़ का चाय पीना है, कागज आ जाए इनके पास,
तो ये सिग्नेचर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में अगर कोई हल्ला करता है कि क्यों ऐसा हुआ, 5 करोड़ का चाय पी गई है वो, तो उसके लिए राष्ट्रपति दोषी नहीं होंगे। जो भी भाई संविधान बताया भी गया है कि संसद जो भी नियम बनाकर भेजेगी राष्ट्रपति को, उस पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। और एक बार नहीं अगर करता है हस्ताक्षर, राष्ट्रपति नहीं करते हैं, तो एक दोबारा भी संसद भेजेगी, दोबारा जब भेजेगी तो राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर करना कंपलसरी, यानी अपने मर्जी से ये कार्य नहीं करते। इसलिए विधि के समक्ष समता से इन दोनों को अपवाद के रूप में रखा गया है। ये अगर नहीं होता ये अनुच्छेद, तो अमीर गरीब कोई किसी की अन्याय होता बहुत सारा समाज में, सोसाइटी में, जैसे अमीर गरीब को कोई समझता नहीं, किसी को भी कोई मार डालता। लेकिन यही जो बताता है, वो अमीर हो या गरीब हो, कानून सबके लिए बराबर होगा और कानून द्वारा सबका संरक्षण, सभी का रक्षा किया जाएगा। यानी कानून के नजरों में सभी को एक समान, एक बराबर माना जाएगा और कानून द्वारा सबकी रक्षा किया जाएगा। और ये विधि समान समता ब्रिटेन से, विद्योग समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। अनुच्छेद हम लोग 15 देखेंगे। अनुच्छेद 15 क्या कहता है ये ध्यान दीजिए। केवल, ध्यान दीजिएगा, केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिए, धर्म, मूल, वंश, किसी जाति, किसी लिंग या कहीं के जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वैसे तो अनुच्छेद 14 का विस्तार ही है 15 और 16, लेकिन अलग अलग हम लोग देखेंगे। यानी कि सार्वजनिक स्थलों पर जैसे होटल हुआ, अस्पताल हुआ, कुआं हुआ इत्यादि, जो भी सार्वजनिक स्थल पर है, उन स्थलों पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या किसी जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिए, यहां केवल इसकी बात की गई है, इसके अलावा कोई बात है तो उस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन केवल इन बात, केवल इन बातों के आधार पर भेदभाव नहीं किया। इसके अलावा कोई बात मिल जाए तो उसके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 हम लोग देखेंगे। लोक नियोजन, लोक नियोजन आप लोग जानते क्या होता है, जैसे कि सरकारी नौकरियों में, है ना, लोक नियोजन में लिंग, धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान, उद्भव तथा निवास। ध्यान दीजिएगा, नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में लिंग, धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान,
या कहां से उत्पत्ति हुआ, उद्भव, निवास इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन इसका अपवाद देख लेंगे। अपवाद है यानी किनके साथ भेदभाव किया जा सकता है, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ओबीसी, और अभी 10% दिया गया है स्वर्ण पिछड़ा वर्ग, ये अपवाद है यानी कि इनके साथ भेदभाव किया जा सकता है, भेदभाव हो सकता है इस इनके साथ। मतलब अगर किसी को नौकरी दिया जाता है तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन इन वर्गों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। यानी कट ऑफ मान लीजिए कि अब मान लीजिए कि जनरल का कट ऑफ 80 है और ओबीसी का मान लिया, छोड़िए ओबीसी छोड़िए, एसटी का कट ऑफ मान लिए 50, तो आप कह सकते हैं कि भाई इसका 80 और इसका 50 भेदभाव तो नहीं, बता दिया गया है कि अपवाद है, भेदभाव में नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ ये जान लें कि मान लीजिए कि ओबीसी है दो लोग और एक का हो गया 80 में हो गया और इसका 82 में नहीं हुआ मान लीजिए, तो ये भेदभाव माना जाएगा। इस लोक नियोजन के अनुच्छेद में जो 16 में ही बताया गया है कि अगर कोई राज्य चाहे तो किसी वर्ग का नौकरियों में प्रतिनिधित्व अगर नहीं है तो उनके लिए विशेष कट ऑफ को नीचे कर सकती है। बहुत सारे सब अटकल है, सब अटकल 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक है इसके, बहुत सारे हैं, लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है सभी परीक्षाओं के लिए, और आवश्यकता पड़ेगी तो मैं पढ़ाऊंगा अभी। अभी तो फिलहाल आप लोग का ये प्लानिंग है कि एक स्ट्रक्चर तैयार करवा दिया जाए पहले आपका। अब हम लोग देखेंगे आप अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत विरोधी अधिनियम इसी के लिए बनाया गया, यानी कि छुआछूत नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति एक दूसरे से छुआछूत करता है तो मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा, जैसे जाति उति को लेकर। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर, अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कोई छुआछूत की बीमारी है, उसको आप हटा रहे हैं, तो वो व्यक्ति जाकर मुकदमा नहीं कर देगा सर्वोच्च न्यायालय में कि हमारे साथ छुआछूत हुआ है। छुआछूत का मतलब जाति उति के आधार पर या किसी अन्य के आधार पर, उसी के लिए बना है ST SC कानून, इसी को देखते हुए बनाया गया है, इसी की रक्षा के लिए। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 18, टॉपिक का नाम है उपाधियों का अंत। आप लोग देखें कि आजादी के पहले किसी को महात्मा की उपाधि, किसी को गुरुदेव की उपाधि, तो किसी को राय रायान की उपाधि, किसी को बब्बर शेर की उपाधि दी जाती, बहुत सारे लोग देते थे। लेकिन राज्य ने यह कहा संविधान लागू होने के बाद कि राज्य किसी को उपाधि नहीं देगा अपने तरफ से, लेकिन ध्यान देंगे परमवीर चक्र, फिर भारत रत्न,
पदम भूषण, फिर विश्वविद्यालय की डिग्री, ये सब क्या है? ध्यान दीजिएगा 1953 में जब भारत रत्न शुरू किया गया और फिर बात आगे चलकर मुरारजी साहिब से बढ़कर 1977 में कहा कि ये समाज में भेदभाव हो रहा है, ये अगर दिया जा रहा उपाधि किसी को तो समाज में भेदभाव हो रहा है। और फिर 1980 में जब इंदिरा गांधी सरकार आई तो फिर ये भारत रत्न को शुरुआत किया गया। और बालाजी राघवन मुकदमा में, बालाजी राघवन मुकदमा में सर्वोच्च न्यायालय ने पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा पुरस्कार तथा उपाधि में अंतर किया, पुरस्कार तथा उपाधि में अंतर किया। तो आप कह सकते हैं कि ये सब क्या है? पुरस्कार है। जैसे पुरस्कार में आप कह सकते हैं राजीव गांधी खेल रत्न है कि नहीं, ये सब चीज जितने हैं वो सब उपाधि में, क्योंकि ये सब उपाधि कब दिया जाता है? खुश होकर चपचाई में। लेकिन ये सब क्या है? व्यक्ति अपनी काव्य से प्राप्त करता है। आपको पता है कि वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार का नाम क्या है? परमवीर चक्र। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, और प्रथम भारत रत्न विजेता सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी थे, तीन लोग एक साथ मिला था। और जान लें आप, परमवीर चक्र विजेता ही ऐसा व्यक्ति एक पुरस्कार है जो अपने नाम के पहले आगे लगा सकता है ये उपाधि। आपको ये पता है भारत रत्न विजेता को कितनी राशि प्राइज में दी जाती है, कितने लाख पुरस्कार दिया जाता है? जीरो, एक भी रुपए नहीं, लेकिन केवल सुविधाएं दी जाती है उसको, सुविधाएं। और पुरस्कारों के बारे में जान लेंगे, शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, तब है पद्म विभूषण, तब पद्म भूषण, तब पद्म श्री। ध्यान रखें पूछता है कंपटीशन में कि पुरस्कारों का बढ़ते से घटते क्रम में क्या है, तो ये उत्तर होता है। तो यानी कि कोई भी पुरस्कार सरकार द्वारा दी जाती है, राज्य द्वारा, तो अनुच्छेद 18 के तहत दी जाती है। अब हम लोग देखेंगे आप समानता का अधिकार, मैंने बता दिया आप लोग को। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन से हम लोग को स्वतंत्रताएं मिली हुई है सभी को, और ये आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 देखेंगे। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रता है, निम्नलिखित स्वतंत्रता दी गई है। यहां ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 वो एक, अनुच्छेद 19 का एक है और एक अनुच्छेद 19 का दो है। तो अनुच्छेद 19 के एक के तहत स्वतंत्रता दिया गया है, स्वतंत्रता दिया गया है। और 19 के दो में प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 19 का एक देखेंगे तो इसमें कहता है कि बोलने और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, तो वही 19 के दो में कहता है लेकिन देश के विरुद्ध नहीं, या कुछ प्रतिबंध है। मान लीजिए बोलने का स्वतंत्रता मिला हुआ है हम लोग को, तो कहीं सड़क चलते किसी को कुछ बोल देंगे क्या? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना, समझ सकते हैं आप। अगर रास्ता चलते अगर किसी को कुछ बोल दे तो क्या अंजाम हो सकता है? समझ ही गए होंगे आप लोग। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या है, कौन कौन सी स्वतंत्रता दिया गया है।
बोलने तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, बोलने तथा विचार प्रकट बोलने तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, इसको कहते हैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि आप बोल सकते हैं, अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। और फिर भाई 19 का 2 में बताया गया कि भाई बोल तो सकते हैं लेकिन कुछ भी थोड़े बोल दीजिएगा, ये थोड़े बोल दीजिएगा चलते ना हमें या किसी को भी कि चलो भाई उसको मार देते हैं, कुछ भी या किसी का भी कहेंगे सत्य सत्य नहीं सकते। तो बोल भी सकते हैं आप, विचार प्रकट कर भी सकते हैं, लेकिन प्रतिबंध है इस पर। ये नहीं है कि अंदाजी कुछ भी बोल दिया। सभा तथा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, आप सभा कर सकते हैं तथा सम्मेलन भी कर सकते हैं, लेकिन वही 19 के 2 में कहता है बिना हथियारों के शांति पूर्वक आप सभा कीजिए, मीटिंग कीजिए, सम्मेलन कीजिए, लेकिन ये नहीं कि हथियार उठा लिए और चल दिए। हालांकि एक बात, सिख धर्म में ओ जो कृपण है वो तलवार जो है धारण करके उनके धार्मिक मान्यता का छूट दी गई है। ये कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, नाई संगठन, हलवाई संगठन, समोसा वाला संगठन, या कोई भी बड़वाल संगठन, मौर्य संगठन, राजपूत संगठन, ब्राह्मण संगठन, कोई भी संगठन बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि कोई आतंकवादी संगठन बना लिए, समझ ही रहे होंगे। संघ भी बना सकते हैं, लेकिन प्रतिबंध ये है कि गैर कानूनी संगठन नहीं। देखिए कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता इसको कहा जाता है, कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं देश में, कहीं भी विचरण कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यह भी बात है कि घूमते घूमते कहीं पाकिस्तान के बॉर्डर तक चले गए तो फिर दिक्कत आ जाएगी, समझ ही रहे, विवाद है। या किसी भी देश के बॉर्डर पे नहीं चलना है घूमते घूमते, ऐसे भी विदेश तो बहुत सारे लोग जो भारत और नेपाल के बॉर्डर पर है तो रोज विदेश जाते हैं, समझ ही रहे आप। बहुत लोग तो सुबह सुबह टहलने जाते हैं नेपाल, फिर आ जाते हैं अपने घर, सुबह सुबह क्यों जाते होंगे समझ रहे होंगे। अभी नेपाल भारत चर्चा में आ गया था, धमकी भी नेपाल दिया था, अब क्या बताया जाए कि भारत के लोग वहां लूटा लेके कभी कभी टहलने जाते हैं, ठीक है वो तो बात की बात है। कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, व्यापार तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता, व्यापार तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता। ध्यान रखिए सड़क के किनारे कोई भी ठेला लगा है, झुग्गी झोपड़ी में लगा के दुकान लगा रहा है, उसको हटाने का किसी को अधिकार नहीं, वो उसका मौलिक अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार है। यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार और व्यवसाय कर सकता है, इच्छा करे तो आप हीरे की दुकान चलाइए, मन करे तो खीरा की दुकान चलाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ठेला पर बम बना के कोई घूमने लगे या कोई गांजा और चरस अफीम बेचने लगे तो इसकी छूट नहीं है, गैर कानूनी कार्य नहीं होगा। फिर इसमें आपका दिया गया है कि कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, यानी आप मकान बनाकर कहीं भी बस सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर नहीं था, लेकिन जब अनुच्छेद 35 ए हट गया, 370 हट गया, तो ये सब प्रावधान अब हट गए हैं लगभग। तो ये आपका एक बात और ध्यान देंगे, अनुच्छेद 19 क में ही पूछता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 19 क में ही प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता तथा सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार शामिल है। यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता ये भी विचार प्रकट करता है और बोलता ही ये अखबार, प्रेस मतलब अखबार,
यानी कि बोलने और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता तथा सूचना का अधिकार भी शामिल है।